गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हम लोग शीशे में झांकता प्रतिबिंब कविता पढ़ रहे हैं, जिसका आधा भाग आपने पिछली कक्षा में पढ़ लिया था और अब हम लोग इसके आगे से पढ़ेंगे। वह न था कमजोर दिल का बल्कि रखता था दिमाग, छू गया जैसे किसी के फूस की गर्मी चिराग। वो जो कुत्ता था ना, वो कमजोर दिल का नहीं था, उसके पास दिमाग भी था। उसके दिमाग में बहुत तरह के प्रश्न लगने लगे, जैसे किसी फूस में सूखे पत्तों में आग लग जाती है। उसके दिमाग में सैकड़ों सवाल घूमने लगे। वह उठा झुंझला, उधर भी सैकड़ों झुंझला उठे। मुंह खुला उसका, उधर भी सैकड़ों मुंह बा उठे। जब कुत्ता झुंझलाता है तो उधर से सैकड़ों कुत्ते उलटते हुए उसके ऊपर झुंझलाने, उसे लग रहा है कि मैं झुंझला रहा हूँ, वहां से भी सारे कुत्ते इसी तरह की प्रतिक्रिया कर रहे हैं। जब उसका मुंह खुलता है तो बाकी सारे जितने भी कुत्ते हैं सबका मुंह खुल जाता है, बाउटे यानी उनके भी मुंह खुल जाते हैं। त्योरिया उसकी चढ़ी तो सैकड़ों की चढ़ गई। त्योरिया यानी उसका दिमाग गर्म हुआ, गुस्से में है तो लगा कि सारे जितने भी कुत्ते उनका भी दिमाग गर्म हो गया, वो भी गुस्से में आ गए। एक की गर्दन बढ़ी तो सैकड़ों की बढ़ गई। अब इस कुत्ते ने अपनी गर्दन को इस तरह बढ़ाया तो उधर से सैकड़ों कुत्ते उनकी गर्दन भी उसी तरह बढ़ना शुरू हो गई। भौंकने जब वह लगा, देने लगा गुंबद जवाब, ठीक आमद खर्च का मिलने लगा उसको हिसाब। पूरा महल खाली था। जब वह भौंकता था तो वो खाली होने के कारण पूरे घर से आवाज आती थी भौंकने की। जब वह कुत्ता भौंकता था तो उसे लगता कि जितने भी कुत्ते हैं वो भी भौंक रहे हैं, क्योंकि महल तो खाली था ना, उस महल में कोई नहीं था तो ध्वनि की प्रतिक्रिया हो रही थी। मनुष्य अपने आमदनी के खर्च में से बहुत बड़ा महल बनाया था, जिसका हिसाब इस कुत्ते को चुकाना पड़ रहा था। समझता ही रहा सब दुश्मनों की चाल है, पर नहीं वह जानता था सब उसी का हाल है। कुत्ता अपने दिमाग में बहुत तरह से अलग अलग चीजें सोच रहा था। ये मनुष्य के द्वारा बनाया गया जो महल था उसका हिसाब इस कुत्ते को चुकाना पड़ रहा था, क्योंकि वह कुत्ता उस महल में जाकर फंस चुका था। वह कुत्ता समझ रहा था कि इस महल में चारों तरफ से उसके दुश्मन भरे पड़े हैं, लेकिन उसे ये क्या पता था कि वो जैसा कर रहा है उसी का हाल बाकी सारे कुत्ते भी बयां कर रहे हैं। वह जैसा करता था प्रतिबिंब से भी उसी तरह की प्रतिक्रिया होती थी। भौंकता ही वह रहा जब तक कि उसमें जान थी, महल की दुनिया उसी की नकल पर हैरान थी। भौंकता रहा जब तक उसमें जान थी, जब तक वह जिंदा था वह भौंकता रहा। ये जो महल थी वो महल भी उसी की नकल कर रहा था। वह कुत्ता बेचारा हैरान था। ठीक शीशे की तरह तुम देख लो संसार है, नेक है वह नेक को बद के लिए बदकार है। कवि कहते हैं कि शीशे की तरह ये जो संसार भी शीशे की तरह है, जो अच्छा है उसके लिए ये संसार बहुत अच्छा है, जो खराब है उसके लिए ये संसार भी बहुत खराब है। जिस तरह हम करेंगे उसी तरह हमें भी इस संसार से मिलेगा। तुम अगर सूरत बिगाड़ोगे तो शीशे में वही देखना तुमको पड़ेगी, बात है बिल्कुल सही। कहते हैं कवि कि अगर हम अपनी सूरत को अपने चेहरे को अगर बिगाड़ते हैं शीशे में भी वैसी ही प्रतिबिंब आएगी। इस बात की जानकारी करना तुम्हें जरूरी है, क्योंकि इस संसार में जैसा हम करेंगे वैसा ही हमें भी मिलेगा। जिस तरह ये कुत्ता महल में फंस जाता है और चारों तरफ अपने प्रतिबिंब को देखकर हैरान हो जाता है, जैसे हम वह करता है उसी की प्रतिक्रिया उसके प्रतिबिंब की ओर से नजर आती है।
इस कविता के कवि का नाम है राम नरेश त्रिपाठी। बूंद बूंद ज्ञान देखेंगे, आदमी अपने व्यवहार से स्वयं ही अपने मन का भेद खोल देता है। ये कथन चाणक्य का है। हम जैसा व्यवहार करते हैं तो सामने वाले को पता चल जाता है कि उसकी प्रकृति कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है। संदेश, पाठ संदेश, नेकी का बदला नेकी से, बुराई का बदला बुराई से मिलता है। इस दुनिया में जैसा करते हैं वैसा ही बदला हमें भी मिलता है, इसलिए हमें भी अच्छा कर्म करना चाहिए, लोगों के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। कविता अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।